नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश में। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। फाइनल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने रियलमी GT 65G के फ़ोन में किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन बंद या चालू करना चाहते हैं या लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन बंद या चालू करना है तो आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आना है। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड सबसे ऊपर पहला ऑप्शन है लॉक स्क्रीन नाम से, आप लॉक स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर है पहला ऑप्शन स्वाइप डाउन ऑन द लॉक स्क्रीन, यानी फ़ोन को लॉक होने के बाद जो ये नोटिफिकेशन पैनल अगर चाहते हैं कोई ना ओपन कर पाए तो पहला ऑप्शन सबसे ऊपर वाला बंद कर दीजिए, और लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन दूसरे पे है। अगर चाहते हैं जब फ़ोन लॉक रहे कोई भी नोटिफिकेशन ना आए तो सबसे थर्ड वाला ऑप्शन डू नॉट शो कर दीजिए। अब यहाँ पर बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद नीचे सारे एप्लीकेशन दिखाई देते हैं। रिसेंट है तो इस पर क्लिक करके ऑल ऐप चूज कर लेंगे तो सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे। जिस भी ऐप की आपको नोटिफिकेशन बंद करना है यहाँ पे बंद कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन दोनों पे नहीं आएंगी, और चालू करना है चालू भी कर सकते हैं।